और बातें तो लास्ट क्लास में वी हैड सीन एग्जांपल्स ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है और अगर उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है तो इनका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की तो CHCl3 this chloroform, ठीक है, ठीक है, और एसीटोन है CH3COCH3। मैं लास्ट क्लास में बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन थी, कंपाउंड FHOH और NH बॉन्ड, जिनके पास FHOH NH बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, किया था हमने। तो इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा प्रत्यक्ष, क्यों उसमें OH बॉन्ड है, इसमें है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा, कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इसमें OHFH बॉन्ड ना इसमें OHFH बॉन्ड, तो दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है। पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तो यानी कि एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन काफी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जब वो H के साथ हो। पर क्लोरीन का काम नहीं चलता इसके साथ, तो क्लोरीन तीन होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना इफेक्ट, समझ में आ रही है बात, क्लोरीन अगर तीन हो तो ये इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो हाँ बोलो, लेकिन उसके अंदर तो फोन है तो फिर फोन जरूरी नहीं होता, FHOH NH बॉन्ड होना जरूरी था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, दिमाग शीतल यहाँ रखना है, FHOH NH बॉन्ड बनाने हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता जब इनके पास FHOH NH बॉन्ड होना, इसके पास FHOH NH ना इसके पास FHOH हाइड्रोजन बहुत पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन तो होते ही नेगेटिव है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स विद एसीटोन, इसीलिए ये डेविएशन कैसा दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, इन दोनों को आपस में लेना ज्यादा पसंद आ रहा है एज कंपेयर टू वेपर्स में रहने। क्लियर है पॉइंट, नेक्स्ट इसको फोकस करना है, फोकस लॉक कर, ऑलराइट। तो ये तो एग्जांपल हुए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, और क्यों ये हुए वो भी हमने देखा। अब एक नया टॉपिक करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज़ियोट्रोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने सर हमें एक्स्ट्रा क्लास में वही करा था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हां वही पूरी नहीं करेगी, लिखेंगे एज़ियोट्रोप्स। तो एज़ियोट्रोप्स आर द सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स व्हिच आर, क्या होता है, in vapor and solution phase, okay? So mixtures are in same composition, लेकिन azeotropes are बोली करें, note करोगे? Yes एज़ियोट्रोप्स वो सॉल्यूशन है, तुम्हें याद होगा रॉल्स लॉ में हमने नीचे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शंस की बात करी थी, कि नीचे होता है का ए और का बी, ऊपर हमने बोला था वाई और वाई बी होता है, राइट, यस सर। और यूजुअली जो तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चंस और मैंने दिए थे दो, वो भी तुमने किए होंगे, तो उसमें
देखा होगा काई भी और वाई भी की वैल्यू सेम नहीं आती, अलग अलग आती है। पर अगर ऐसा हो जाए कि काई भी है 0.4 0.6 मान लो और ऊपर भी वाई भी हो जाए 0.4 0.6, यानी नीचे का भी फ्रैक्शन वही है सोल्यूशन का और वेपर्स का भी फ्रैक्शन का सोल्यूशन वही है, ऐसे मिक्सचर्स कहलाएंगे एज़ियोट्रोप। ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे? एज़ियोट्रोप वो है जिनके नीचे और ऊपर सेम कॉम्पोजिशन होता है, अगर नीचे 40-60 है तो ऊपर भी 40-60 है। ऐसे मिक्सचर्स बहुत कम बनते हैं पर बनते हैं, इनको बोलते हैं एज़ियोट्रोप। फ्रैक्शन से हिंदी अमाउंट, फ्रैक्शन और कॉम्पोजिशन की बात होती है ना, मतलब फ्रैक्शन अमाउंट नहीं, मोल्स नहीं, मोल्स की फ्रैक्शन। ठीक है, अगर फ्रैक्शन से मतलब मोल्स सेम रहेंगे? नहीं, मोल्स क्यों सेम होंगे, मतलब हो सकता है ऊपर मोल ज्यादा हो नीचे कम हो, फ्रैक्शन। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा एक और खास बात है, सच मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग और सिंपल डिस्टिलेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग और सिंपल डिस्टिलेशन। अरे सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, 11th में था सीधे से निकाल दिया, सोचा जरूरी नहीं। तो डिस्टिलेशन क्या होता है या बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग से किसी चीज़ को सेपरेट करना है। तो अच्छा कोई चीज़ बॉइलिंग से कैसे सेपरेट हो सकती है, तब हो सकती है जब उसका ऊपर का कॉम्पोजिशन अलग हो। सपोज ये वाई भी ऊपर जो है ये 0.4 आता है और ऊपर ये 0.1 आता है और ये कितना आता है 0.9। अगर ऊपर वेपर्स में कौन ज़्यादा आ रहा है, बी, और नीचे कौन ज्यादा है, मतलब नीचे तो है पर नीचे कंपैरिजन में ऊपर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इस मिक्सचर को बॉईल करूं, क्या करूं, तो बॉईल करके वेफर में मेरे पास बी आ जाएगा मैक्सिमम, तो मैं बी को यहां से निकाल सकता हूं और इसको कंडेंस करके वापस नीचे डाल सकता हूं। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, जब हम बार बार रिपीटेड बॉइलिंग और कंडेंसेशन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग और डिस्टिलेशन से हम उन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन ऊपर और नीचे अलग होती है, वेपर में वो ज्यादा आते हैं और सॉल्यूशन में कम, तो हम बॉइल करके उसको निकाल देंगे। समझ में आई बात, जैसे बी को हम निकाल लेंगे और ये नीचे रह जाएगा क्योंकि ऊपर 90% आ रहा थी और नीचे 60% था, क्लियर है भाई। अब अगर ये एज़ियोट्रोप हो तो ऊपर भी वही कॉम्पोजिशन है कितनी 0.4 और 0.6, सो बॉइलिंग से कोई असर पड़ेगा, फायदा होगा नहीं क्योंकि नीचे भी 40-60 है ऊपर भी 40-60 है। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या बॉइलिंग या सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ये पॉइंट। नेक्स्ट, इनके लिए स्पेशल मेथड यूज होता है जिसे बोलते हैं एज़ियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, बट वो कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो लिख लिए ये दो पॉइंट्स लिख लिए। यस सर। अच्छा एक और बात एज़ियोट्रोप्स के बारे में, दे शो लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, दे शो लार्ज पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, लार्ज पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। तो ये लार्ज पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम रॉयल्स लॉ। ठीक है, अच्छा यहां पे बात क्लियर है सबको। तो एज़ियोट्रोप दो टाइप के, एज़ियोट्रोप आ रहा हूं, टाइप्स ऑफ एज़ियोट्रोप लिखे, वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप, और सेकंड इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप। हाँ बोलो सर, क्या चीज दिख नहीं रहा? अच्छा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप्स। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप्स शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, दे शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग वाले नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उल्टा मैक्सिमम बॉइलिंग शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन,
फ्रॉम रॉड डेविएशन फ्रॉम कौन सा लॉ नहीं फॉलो करेंगे ठीक है अच्छा ऐसा क्यों 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 अभी जानते हैं और मिनिमम बॉइलिंग क्या करेंगे शो लार्ज पॉजिटिव फ्रॉम रॉड्स ऐसा नाम क्यों उल्टा क्यों हो रहा है समझते हैं देखो हमारे पास है तो याद है देखो मैं तुम्हें जो याद दिलाता हूँ तुमने वीडियो देखी पुरानी जो पीछे का रह गया था शिक्षक और बी अच्छा नेगेटिव डेविएशन में एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते करते हैं क्यों क्योंकि वो ऊपर रहने की बजाय वो नीचे रहना प्रेफर करते हैं तभी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता था डिक्रीज फिर तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए प्रेशर क्या हो जाता है कम राइट अच्छा व्हाट इज बॉइलिंग व्हेन डज बॉइलिंग अकर